नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सी लेडीज जूती लाई हूँ। देखिए अंगूठे वाली ये लेडीज जूती देखिए कितना खूबसूरत है। बनाना भी बहुत ही आसान है और देखिए कितना खूबसूरत। इसे मैंने 5 नंबर के फुट साइज के लिए बनाया है। ये ऊपर से बनना शुरू हुआ है और तो नीचे जाना नहीं है, खत्म हुआ है। और अब इसको बनाना बहुत ही आसान है। पक्का करके और देखिए कितना खूबसूरत है और देखिए ये कितना फिट आया है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है और मोजे वाला ऊन है। ये ऐसे तोड़ने पे टूटता नहीं है जब तक इसे कैंची से काटा ना जाए। ये बहुत ही मजबूत होता है और जल्दी घिसता नहीं है। तो मैंने वुल को डबल फोल्ड किया है और 10 नंबर की सिलाई पे 52 फंदे डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई पे 52 फंदे, आप जैसे भी डालते हो आप डाल सकते हैं। तो मैंने 52 फंदे डाले हैं। अब हम एक फंदा, जो भी धागे ये बाहर निकले हुए हैं, सीधा बुनेंगे अंदर की तरफ कर देंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सुई से या क्रोशिये से किसी यानी कैसे भी सिंगल रिब में हम अंदर की तरफ ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक फंदा सीधा बुनते हुए, एक फंदा करते हैं उल्टा बुनते हुए। एक फंदा सीधा उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन खूबसूरत कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन पूरी बनके मैं आपको शॉक्स कहिए, जुराब कहिए, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो देखिए पहनने में बहुत ही आरामदायक। इधर से जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था, तो आशा है आपसे ये सीधा है। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो, उन अपने और अगला लाइक करें, उल्टा है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। यानी सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करता है। तो ये हमारे बॉर्डर का दूसरा लाइन है और हम कुल 12 लाइन बनाएंगे। तो 12 लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 12 लाइन का बॉर्डर तैयार किया है और अब ये 13वां लाइन है और इस लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन को अटैच करेंगे। तो हमने दूसरे कलर के ऊन को अटैच कर लिया। अब दूसरे कलर के ऊन से हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदा सीधा। तीसरे फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा। अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे 25 फंदे हो गए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 1 25। तो हमने टोटल 52 फंदे डाले थे, 25 फंदे हमने
बुन लिए। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा सीधा, और उसके बाद अपना पैटर्न हम शुरू कर देंगे, यानी एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में दो फंदे उन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो हमारा डिज़ाइन सेट हो गया, 52 फंदे थे और हमने डिज़ाइन को सेट कर लिया। रॉन्ग साइड से हम बुने हुए फंदे सीधे बुनेंगे, बीच के चार फंदों को छोड़कर सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। उन अपनी तरफ स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी तरफ बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह हम किनारे किनारे के फंदों को सीधा बुनेंगे, हमें सिर्फ बीच के चार फंदों पर ध्यान देना है, बाकी फंदे हम स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जाली से जाली तक ये हमारे बीच के चार फंदे हैं, जाली से जाली तक हमें उल्टा बुनना है, एक दो तीन और चार, जाली से जाली तक हमें उल्टा बुनना है और फिर साइड के फंदे इन्हें हमें सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदों को स्लिप कर लेना है, बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। तो हमने अपने सेकेंडरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, बुने हुए फंदे को, स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें सीधा बुनते हुए बीच के दो फंदों तक पहुंचना है। तो ये सभी फंदे मैं बुन ले रही हूँ, बीच के फंदे पर पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जाली तक के सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब ये बीच के दो फंदे हैं तो उनको लपेट के वापस दूसरी तरफ लाएंगे, दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर उन लपेट के वापस दूसरी तरफ लाएंगे और शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करें। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये बॉर्डर के बाद से चौथा लाइन है। तो चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ है और बॉर्डर के बाद ये हमारा पांचवा लाइन है जिसमें हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से बुनेंगे। तो सेकेंडरी कलर के ऊन से दो फंदा सीधा,
एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अगला फंदा हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगले फंदे को हमें सीधा बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है तो हमने स्लिप कर लिया, और अब यहाँ पे जाली है, यहाँ पे हमें जाली देना है, तो ऊन को ऐसे चढ़ाकर हम वापस दूसरी तरफ लाएंगे और दो फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस हम दूसरी तरफ लाएंगे, इस फंदे को हमें स्लिप करना है, अब फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा, स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, स्लिप करना है, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अगला फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, लास्ट में दो फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें सभी फंदों को, बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है, ऊन अपनी ओर करना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। तो हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है और बुनते हुए हम बीच के चार फंदों के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने बुने हुए सभी फंदों को सीधा बुन लिया है, अब ये बीच के चार फंदे हैं यानी जाली से जाली तक, तो उनको अपनी ओर करेंगे और जाली को हमें सीधा, जाली को हमें उल्टा बुनना है, बीच के दो फंदे इन्हें हमें उल्टा बुनना है और ये दूसरी जाली इसे भी हमें उल्टा बुन लेना है। अब स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, शेष फंदों को, बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से बुनेंगे, तो प्राइमरी कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, बुने हुए फंदे को, स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है और हम बीच के दो फंदों के पास पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जाली तक के सभी फंदों को सीधा बुन लिया है, अब ये सेंटर के दो फंदे हैं, तो इन दो फंदों के दोनों साइड में हमें जाली देना है, हर सीधी लाइन में हमें इन दो फंदों के दोनों तरफ जाली देना है, तो ऊन को चढ़ाकर वापस, हमारा ऊन दूसरी तरफ है, ऊन को चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब फिर हमें इसकी इन दो फंदों के दूसरी तरफ भी जाली देना है, तो ऊन को चढ़ाकर वापस हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा। अब हम फिर अपने सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, तो जैसे अब तक हम बुनते आए हैं, दो फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा,
एक फंदा स्लिप करना है, यानी जो डिज़ाइन जैसे दिखाई दे रहा है उसको हमें वैसे ही बुनना है और हम सेंटर के पास पहुंचेंगे। तीन फंदा सीधा, अब अगला फंदा स्लिप करना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर ये स्लिप करना है। अब देखिए, अब ये दो फंदों के दोनों तरफ हमें जाली देना है, तो ऊन को हम चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे और दो फंदों को सीधा बुनेंगे। अब फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे। अब देखिए, इस फंदे को हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, यानी जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है, हमने ये हमारा जो डिज़ाइन है उसे हमें रिपीट करना है। देखिए, तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, जैसा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है हमें उसे फॉलो करना है। रॉन्ग साइड से हम बुने हुए सभी फंदे सीधे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी बुने हुए फंदे सीधे बुनेंगे। उन अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, सेंटर के चार फंदों को छोड़कर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम जाली के पास आ गए हैं, तो ऐसे हम सिलाई डालेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर ये बीच के दो फंदे इन्हें उल्टा, और अब दूसरे जाली को हम ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे। और अब स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन दूसरी ओर और बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। प्राइमरी कलर से हम अपने सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और बीच के दो फंदों के दोनों तरफ हम जाले देंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब मैं सिर्फ आपको दूसरे कलर वाले उनसे बुनते समय ही दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अपने सेकेंडरी कलर से बुनते हुए मैंने डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाते हुए मैं सेंटर के पास पहुंच रही हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तीन फंदा सीधा बुनने के बाद अगला फंदा मैंने स्लिप किया, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, ये देखिए जाली वाला फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे और अब इन दो फंदों के दोनों तरफ हमें जाली देना है। देखिए, ये सातवां जाली पड़ने जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये सातवां जाली पड़ने जा रहा है। तो उन हमारा दूसरी तरफ है और ऐसे चढ़ाकर वापस हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, उन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे। अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, उसके बाद हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू हो जाएगा। तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, यानी जो जैसा दिखाई दे रहा है हमें डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाते जाना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे और जाली से जाली तक के चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब अगला मैं सेकेंडरी कलर वाला, यानी अब नवे जाली पे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नवा लाइन, नवा जाली पड़ने जा रहा है, यानी बॉर्डर के बाद से ये सत्रहवां लाइन है। तीन फंदे हमने सीधा बुना, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए, ये जाली वाला फंदा, इसे हम स्लिप करेंगे
और अब इस फंदे दो फंदे हमारे सेंटर के दो फंदे आ गए। अब इन दो फंदों के दोनों तरफ हमें जाले देना है। तो ऊन हम ऐसे चढ़ा के वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर ऊन वापस चढ़ाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इस फंदे को हमें स्लिप करना है। देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, और फिर यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। ये फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, यानी जो डिज़ाइन है उसी के ऊपर हमें बनाते हुए लाइन कंप्लीट कर लेना है। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे और बीच के चार फंदे यानी जाली से जाली तक के फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा 11वां जाली पड़ने जा रहा है। तो तीन फंदा सीधा बुनने के बाद एक फंदा स्लिप किया, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप किया, फिर सीधा, फिर स्लिप किया, फिर सीधा, फिर स्लिप किया। ये जाली वाला फंदा, इसे हमने स्लिप कर लिया। अब देखिए ये 11वां जाली पड़ने जा रहा है। तो ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा के लाएंगे, दो फंदा सीधा, फिर ऊन चढ़ा के लाएंगे, फिर इस फंदे को हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, और उसके बाद देखिए तीन फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है। तो ये 11वां जाली पड़ने जा, ये हमने 11वां जाली डाल दिया। और हम 5 नंबर फुट साइज के लिए ये हम बना रहे हैं, तो इसमें हम 16 जाली डालेंगे। यदि आप 4 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो ऊपर हमने 52 फंदे डाले हैं, आप 50 फंदे डालिएगा और 14 जाली बनाएगा। हम 16 जाली बनाएंगे, 5 नंबर के लिए 16 जाली बनाएंगे, 4 नंबर के लिए आप 14 जाली बनाइएगा। और यदि आपको एक साइज बड़ा बनाना हो तो ऊपर भी आप दो फंदे बढ़ा दीजिएगा, यानी 54 फंदे लीजिएगा और 18 जाली बनाइएगा। यानी हर एक नंबर के लिए दो फंदे और दो जाली बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो 16 जाली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा 15वां जाली पड़ने जा रहा है, यानी कि बॉर्डर के बाद से ये 29वां लाइन है। तो तीन फंदे हमने सीधे बुने, अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा। स्लिप करते समय हमेशा हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, फिर सीधा, फिर स्लिप करना है, और यहाँ पे अब हम अपना 15वां जाली डालेंगे। तो ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब इस फंदे को, ये जाली वाला फंदा, इसे हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर 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 सीधा, फिर स्लिप करेंगे, और यहाँ से हमारा फिर से पैटर्न शुरू हो जाएगा। देखिए ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। इस लाइन में हमने अपना 15वां जाली डाल दिया। अब हम एक जाली और डालेंगे और उसके बाद से ये उंगली वाला हिस्सा शुरू होगा। तो 16 जाली डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 16 जाली हमारा कंप्लीट हो गया है। हर सीधी लाइन में एक जाली। तो देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये 16 16 जाली कंप्लीट हो गया है। और अब इस धागे का हमें काम नहीं है, तो इसे हम काट लेंगे। यदि आपको
बड़े साइज की जूती बनानी हो तो प्रत्येक नंबर के लिए दो जाली बढ़ाएंगे और बॉर्डर में दो फंदे बढ़ा लेंगे। हमने बॉर्डर में 52 फंदे डाले थे, 16 जाली इस साइड से बढ़ा और 16 जाली इस साइड से बढ़ा, यानी कि 32 फंदे बढ़ गए। 52 थे, 32 फंदे बढ़ गए तो हो गए इस समय 84 फंदे हमारी सिलाई पे हैं। तो अब क्या करेंगे कि 42 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। यानी ये जो दो फंदे हमारे मिडिल के हैं तो उसमें से एक फंदा हम इधर ले लेंगे तो हमारे 42 फंदे हो जाएंगे। 42 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो हमने 42 फंदों को बुन लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40 और 42। और अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। अब हम इस साइड का पोर्शन जो है वो बाद में बनाएंगे, पहले हम हाफ पोर्शन को ही बुनेंगे। और अब हम पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और शेष फंदों को यानी 41 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से भी 42 फंदों को बुन लिया। तो देखिए एक धारी आ गई है, दोनों तरफ से उल्टा बुनने से एक धारी आ गई है। तो ऐसा हम 9 धारी बनाएंगे। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, फिर पहले फंदे में से हम पर्ल नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और 41 फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब एक बात मैं बता दूँ कि जिसकी उंगलियाँ लंबी हों, पैर की उंगलियां जिसकी लंबी हो तो वो इन धारियों की संख्या को बढ़ा लेगा। यानी मैं 9 धारी बना रही हूँ, आप 10 धारी बना लीजिएगा। और यदि उंगलियां छोटी हों तो आप 8 धारी ही बनाइएगा। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैं 9 धारी बनाऊंगी, तो 9 धारी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 धारी कंप्लीट हो चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब हम इस लाइन में सभी फंदों को क्लोज करेंगे, उनको अपनी तरफ लाएंगे, फिर इस फंदे को हम पाई सिलाई में चढ़ाएंगे, दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो काए। अब फिर इस फंदे को हम वापस बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को लेंगे और एक साथ लेते हुए दो काए। फिर इसे हम बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दो फंदों को लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो काए। तो देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने लगे हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। ना हम हाथ को बहुत ढीला रखेंगे और ना ही बहुत टाइट रखेंगे। सभी फंदों को हम क्लोज कर देंगे। यदि आपके हाथ टाइट चलते हो तो आप एक नंबर बड़ा सिलाई, यानी ये 9 नंबर का सिलाई है और इसे लेकर आप दो दो फंदों को लेते जाइए और क्लोज करते जाइए। यदि आपके हाथ
टाइट चलते हो तो आप एक नंबर बड़े सिलाई से क्लोज करें। तो ये हमारा ढीला होगा, वरना पैर में ये टाइट होगा और पहनने में परेशानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को क्लोज कर लिया। अब हम धागे को थोड़ा लंबा काटेंगे और इस फंदे में से निकाल देंगे। देखिए एक तरफ का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम ऊन को अटैच करेंगे और उल्टा बुनते हुए पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह की जूती में हमें ये फायदा होता है कि हमें दोनों पैर की जूती को एक तरह ही बनाना होता है। इसमें लेफ्ट और राइट नहीं होता है, हम दोनों जूतियों को किसी भी पैर में पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपका बीच से दो हिस्से में बटा है तो इसे हम किसी भी पैर में पहन सकते हैं और दोनों जूतियां एक जैसी बनके तैयार होती हैं। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। पहले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 17 लाइन बुनेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन है और हम 17 लाइन कंप्लीट करेंगे तो 9 धारियां सामने से आ जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने से एक उल्टी धारी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम 9 धारी तैयार करेंगे जैसे हमने इधर तैयार किया है। तो 9 धारी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी 9 धारी बनके तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं और इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का एक करेंगे, फिर इसे बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 का एक कर लेंगे। तो हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो हमने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। अब हम धागे को काटेंगे और इसमें से ऐसे निकाल देंगे। और हमारा जूती बनके तैयार है। अब हमें बस इसकी सिलाई करना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना छोड़ के हमें सिलाई करना है। सुई में धागा डाल लेंगे और हम यहाँ पे 1-2 बार पक्का कर लेंगे। और अब इसको ऐसे पलट के और सामने की तरफ से सिलाई करेंगे।
ये जो सीधी हमने यहाँ पे एच छोड़ा था, तो इसके ऊपर सिरे में ऐसे सिलाई सुई डालेंगे और ऐसे सिलना शुरू करेंगे। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में और एक बार दूसरी साइड में। तो प्रत्येक लाइन में हम ऐसे सिलाई करेंगे। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, ऐसे हम प्रत्येक लाइन में हम सिलाई करेंगे। इसी तरह करते हुए हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। अब हम फिर इस साइड में सिलाई करेंगे, तो यही जितने हमारे ये एज के फंदे हैं सब में हम एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में ऐसे सुई डालेंगे और सिलेंगे। एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, प्रत्येक फंदे में, प्रत्येक फंदे को सिलते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे जितना हमने इधर छोड़ा है। ऐसे ही यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ तक सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। अब चूंकि इधर धागा है इसलिए हम इस साइड में सिलाई करेंगे। अब हम इन जो भी धागे ये बाहर निकले हुए हैं सबको हम अंदर की तरफ कर देंगे। सुई से या क्रोशिए से किसी कैसे भी हम इन सबको अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा सॉक्स बन के तैयार है। इसे सॉक्स कहिए, जुराब कहिए, बूटी कहिए, स्लीपर कहिए, कुछ भी कहिए, ये हमारा बन के तैयार है। ये पहनने में बहुत ही आरामदायक और देखिए कितना खूबसूरत है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। Thanks for watching.